ये भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के टिकट दे रही थी और कोई मुफ्त में नहीं दे रही। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया, इतना अच्छा प्रदर्शन कि आज अखिलेश यादव की इंडिया अलायंस में पूछ है। हर तरफ अखिलेश यादव के नाम का डंका बज रहा है। इसी बीच शिवपाल सिंह यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और जिनके बेटे आदित्य यादव बदायूं से चुनाव भी जीते हैं, वो लगातार कई मुद्दों पर न सिर्फ सरकार पर हमलावर हैं, बल्कि अब दूसरे विपक्षी पार्टियों पर भी हमला करने लगे हैं। दरअसल शिवपाल सिंह यादव मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उनसे मायावती के प्रदर्शन को लेकर सवाल पूछा गया। सवाल मायावती के प्रदर्शन को लेकर था, लेकिन शिवपाल सिंह यादव मायावती पर बड़ा आरोप लगा बैठे। एक ऐसा आरोप जिसकी चर्चा अब सियासी गलियारों में तेज होगी, जिस पर बसपा की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है इसका भी सबको इंतजार रहेगा। दरअसल मायावती के चुनावी प्रदर्शन को लेकर जब शिवपाल सिंह यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पहले तो उन पर ये इल्जाम लगाया कि अब लोग समझ गए हैं कि मायावती एनडीए के साथ लड़कर चुनाव लड़ रही थी, और इसी के साथ साथ उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि किसी को भी मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। ये जवाब उन्होंने प्रत्याशियों को टिकट देने को लेकर कहा। आप भी सुनिए, जब मायावती पर हुआ सवाल तो शिवपाल सिंह यादव ने कैसे उन पर हमला बोल दिया। देखिए, अब पूरी तरह से समझ लिया है, कोई मुफ्त में तो उन्होंने इस चुनाव में दिया नहीं है, और उन्होंने जो पूरे लोग समझ चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के टिकट दे रही है, तो अल्पसंख्यक और मुसलमान भाई पूरा समझ लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के टिकट दे रही थी और कोई मुफ्त में नहीं दे रही। फिलहाल मायावती को लेकर शिवपाल सिंह यादव के इस आरोप की अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा धीरे धीरे करके तेज होने लगी है। जहां एक तरफ मायावती अपने प्रदर्शन से, अपनी पार्टी के प्रदर्शन से लोकसभा चुनाव में परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव का बयान कहीं न कहीं आग में घी डालने का काम करेगा। देखना होगा कि अब बसपा की तरफ से इस मामले पर क्या कुछ जवाब आता है। बाकी आपका शिवपाल के इस बयान पर, जिसपे उन्होंने मायावती को लेकर ये बात कही है, क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।